i7 7700K, i7 7th generation। कीमत की बात करें तो दोस्तों इसकी कीमत है ₹27,000 ओवरक्लॉकेबल मॉडल की है, और बात करें नॉर्मल मॉडल की तो वो है ₹24,000। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसका एक चीप अल्टरनेटिव। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे i7 7700K का एक चीप अल्टरनेटिव का, जिसको आप खरीद सकते हैं और काफी हद तक उसके जैसा परफॉर्मेंस भी पा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों प्रोसेसर की। जो यहाँ पर हमने इस वीडियो में प्रोसेसर लिया है और आपको जिसका आज रिव्यू देने वाले हैं वो है इंटेल का Xeon X3450। काफी पुराना प्रोसेसर है, करीब करीब 10 साल हो चुका है लॉन्च हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस में ये पीछे है। मैं मानता हूँ आज के मॉडर्न प्रोसेसर से काफी ज्यादा प्रोसेसर से ये अच्छा परफॉर्म कर भी जाएगा। बात कर लेते हैं इसे कॉन्फ़िगरेशन की, क्योंकि हमने इस वीडियो के टाइटल में पहले ही लिखा हुआ है कि ये i7 7700K का अल्टरनेटिव है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये 4 कोर और 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है। बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो जो है इसकी जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 2. जी हाँ दोस्तों, ये टर्बो बूस्ट सपोर्ट नहीं करता है। अब क्योंकि ये सर्वर प्रोसेसर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। जब भी हमारे दिमाग में बात आती है कि सर्वर प्रोसेसर, सबसे पहले जो बात आती है दिमाग में वो होते हैं कि हाई परफॉर्मेंस, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। सर्वर प्रोसेसर जितने भी होते हैं वो दो चीजों को देखते हुए बनाए जाते हैं। एक होते हैं मल्टीटास्किंग, दूसरा होता है पावर एफिशिएंसी। इसीलिए दोस्तों सर्वर प्रोसेसर अगर आपको दे भी दिया जाए तो आपको कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा अगर आप दोनों को साइड बाय साइड टेस्ट करेंगे। हाँ, गेमिंग्स में आपको भले ही उतना अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाए, या कुछ गेम्स में शायद आपको कम भी परफॉर्मेंस मिल जाएगा, क्योंकि जो सर्वर प्रोसेसर होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है डेस्कटॉप, जो हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप प्रोसेसर होते हैं उनके मुकाबले। तो दोस्तों ये प्रोसेसर थोड़ा पुराना है। अगर इसके ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी ओरिजिनल जो प्राइस है वो थी ₹25,000, वो सन 2007 की। लेकिन आजकल जो दोस्तों इसकी प्राइस है वो है सिर्फ ₹1,600। ईबे पे, दूसरी और वेबसाइट पर आपको इजिली 1200-1600 का मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से जाकर खरीद सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बेंचमार्क की। कॉन्फ़िगरेशन और पेपर में तो काफी हद तक i7 7700K जैसा दिखता है, लेकिन क्या ये सच में i7 के आगे स्टैंड कर पाता है, इसके लिए दोस्तों हमने किया है बेंचमार्क। दोस्तों जितने भी बेंचमार्क यहाँ पर लिए गए हैं वहाँ पर हमने ग्राफिक्स कार्ड लिया है 1060, क्योंकि मैं मानता हूँ 10 साल पुराना प्रोसेसर 1070 या 1080 के साथ पेयर करने के इतना अच्छा नहीं रहेगा अगर मैं उसको दूसरों हाई एंड ग्राफिक कार्ड के साथ पेयर करूँ। और बात आती है i7 की, तो 1080 Ti भी लगा देंगे तो भी इजीली हैंडल कर लेगा, बॉटलनेक बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर को बेंचमार्क के लिए 1060 ग्राफिक्स कार्ड लिया हुआ है। तो बेंचमार्क आपके स्क्रीन पर ये रहे। बेंचमार्क देखने के बाद दोस्तों आपको लगा होगा कि काफी बुरा परफॉर्मेंस नहीं है, जो प्राइस आप उसको दे रहे हैं मैं मानता हूँ काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। और जब आप एडोबी प्रीमियर या एडोब फोटोशॉप जैसा एप्लीकेशन, हाई एंड एप्लीकेशन चलाएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, अगर आपको कहीं मिल रहा है सेकेंड हैंड तो दोस्तों काफी खरीदने लायक भी है। और इसके जो मदरबोर्ड है 1156 सॉकेट वाले, वो भी काफी महंगे नहीं है, ₹2500 के कहीं पर भी न्यू मिल जाएंगे। और चूंकि आप प्रोसेसर पुराना ले रहे हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा मदरबोर्ड और रैम भी पुरानी ही है। अगर आप इसका टोटल पीसी बिल्ड करेंगे तो आपको इजिली 6 से ₹7,000 का मिल जाएगा विदाउट ग्राफिक्स कार्ड।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे नए नए ऑसम कंटेंट। तो दोस्तों अंत तक देखने के लिए थैंक यू।